हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक स्मार्ट वाइकर्स। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या आपको न्यू टीवीएस जुपिटर 125 लेना चाहिए या फिर हीरो डेस्टिनी 125 एक्सटेक। दोस्तों, दोनों ही स्कूटर हाल ही में लॉन्च हुए हैं न्यू फीचर्स के साथ, तो दोनों ही स्कूटर का डिटेल रिव्यू करेंगे कि कौन सा बेटर है आपके लिए अगर आप सोच रहे हैं एक 125 सीसी स्कूटर। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहां पर हीरो डेस्टिनी 125 एक्सटेक में आपको बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन देखने को मिलती है। बेसिकली आपका स्कूटर एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाएगा, वहीं आपको टीवीएस जुपिटर 125 बेटर मिल जाता है एज कम्पेयर हीरो डेस्टिनी 125, बिकॉज यहां पर आपको जो स्टार्ट है वो काफ़ी साइलेंट मिलता है। उसी के साथ बात कर लेंगे फीचर्स की। तो सबसे बड़ा जो मेन फीचर है, आपको डेस्टिनी में ब्लूटूथ मिल जाता है, तो वो आपको टीवीएस जुपिटर 125 में नहीं मिलता है। वहीं बात कर लेंगे डेस्टिनी में आपको बैकरेस्ट मिल जाता है, क्रोम फिनिश मिरर मिल जाते हैं, एलईडी रिफ्लेक्टर हेडलाइट मिल जाती है, न्यू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है विद i3s टेक्नोलॉजी। वहीं आपको जुपिटर में 33 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है, जहां पर आप दो हेलमेट रख सकते हैं, वो भी बड़े, इवन आप अपना बड़े वाला लैपटॉप बैग भी रख सकते हैं। और दोस्तों, यहीं पर आपको जुपिटर में लॉन्गेस्ट सीट मिलती है, मतलब सबसे बड़ी सीट मिलती है आपको न्यू टीवीएस जुपिटर 125 में, जहां पर आप ट्रिपलिंग कर सकते हैं। बट ट्रिपलिंग इलीगल है तो आप ना करें, बट मैं आपको कंफर्ट के लिए बता रहा हूँ। 15% मोर माइलेज मिल जाता है, बिकॉज यहाँ पर ETFI टेक्नोलॉजी यूज की गई है जुपिटर 125 में। उसी के साथ साथ आपको टीवीएस इंटेलिगो मिल जाता है जुपिटर में, बिकॉज टीवीएस इंटेलिगो का जो मेन फीचर होता है कि जब भी आप रेड लाइट पे खड़े होंगे, आपका स्कूटर विद इन सेकेंड्स में बंद हो जाएगा, देन ग्रीन लाइट होती है तो आपको स्कूटर स्टार्ट नहीं करना है, जस्ट आपको एक्सेलरेट करना है आपका लेफ्ट वाला ब्रेक प्रेस करके। तो ये जो फीचर है, ये आपको फ्यूल एफिशिएंसी में काफ़ी हेल्प करेगा, तो बेसिकली आपको बेटर माइलेज मिल जाएगा टीवीएस जुपिटर 125 में। अब हम बात कर लेंगे ओवरऑल कि यहाँ पर हीरो डेस्टिनी कहाँ पर लैग कर रहा है एज कम्पेयर टीवीएस जुपिटर 125। यहाँ पर डेस्टिनी में आपको 10 इंच का व्हील मिलते हैं दोनों, फ्रंट एंड रेयर। वहीं आपको जुपिटर में 12 इंच के व्हील मिलते हैं, जिससे कि आपकी सीट हाइट इंक्रीज हो जाती है। तो सीट हाइट आपको बता देता हूँ मैं, डेस्टिनी में आपको सीट हाइट मिल जाती है 778 mm की, वहीं आपको जुपिटर में सीट हाइट मिल जाती है 790 mm की, 790 mm की सीट मिल जाती है। वहीं जो कर्व वेट की बात कर ले, जुपिटर बहुत ही हल्का है डेस्टिनी से, डेस्टिनी का कर्व वेट है, ओवरऑल बॉडी वेट है 114 किलो, वहीं आपको जुपिटर मिल जाता है 108 किलो। तो बेसिकली आपका 6 किलो वेट कम है, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। जितना लाइट वेट स्कूटर होता है, आपको उतना ही अच्छा माइलेज मिलता है। उसी के साथ हम बात कर लेंगे यहाँ पर टॉप स्पीड एंड माइलेज की। तो दोनों में आपको सेम स्पीड मिल जाती है 90 km/h प्लस, वहीं आपको 50 km की स्पीड मिल जाती है, वहीं आपको 50 km/l का माइलेज मिल जाता है। फ्रंट में आपको LED बल्ब मिल जाता है, रेयर में आपको हेलोजन मिल जाता है। तो मोटा मोटा अगर आप ओवरऑल इसको कंपेयर करेंगे तो आपको स्कूटर सेम लगेगा, बट यहाँ पर टेक्नोलॉजी वाइज यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि डेस्टिनी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन देखने को मिलेगी, आपका स्कूटर एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाएगा अगर आप ड्यूल स्टैंड पे खड़े करते हैं, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। उसी के साथ साथ आपको टीवीएस जुपिटर में साइलेंट स्टार्ट मिलता है, आपको बहुत ही साइलेंट है अगर हम कंपेयर करें हीरो डेस्टिनी 125 से। तो दोस्तों, यहाँ पर आप ब्लूटूथ को इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज ब्लूटूथ इतना मैटर नहीं करता है जब आप राइड करते हैं, ब्लूटूथ मैटर करता है जब हाईवे राइड करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि लोग 125 स्कूटर को हाईवे पर जाना पसंद करते होंगे, बट कुछ लोग लेके भी जाते हैं, सबकी अपनी पर्सनल ओपिनियन होती है। बट मैं आपको कहूँगा, अगर आप प्लान कर रहे हैं 125 स्कूटर, तो आप डेफिनेटली टीवीएस जुपिटर 125 को रिकमेंड करें, बिकॉज यहाँ पर आपको बहुत ही बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है, और इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, बिकॉज उनको बहुत सारा मार्केट सामान वगैरह लाना होता है, ऑफिस से आते हुए बहुत सामान लाना होता है। तो उस केस में आपको टीवीएस जुपिटर 125 बहुत हेल्प करेगा, लॉन्गेस्ट सीट मिल जाती है, आप, आपकी वाइफ, आपके दो बच्चे आराम से बैठ के चले जाएंगे इस पे विदाउट एनी प्रॉब्लम। उसी के साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं एक्स शोरूम प्राइस की। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डेस्टिनी काफ़ी सस्ती है एज कम्पेयर टीवीएस जुपिटर, बट जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, तो आप एक बार पैसा खर्च कर दीजिए। डेस्टिनी लेने के बाद आपको थोड़ा सा रिग्रेट हो सकता है, बट जुपिटर 125 लेने के बाद आपको कोई भी रिग्रेट नहीं होने वाला है। अब हम बात कर लेंगे यहाँ पे प्राइसिंग की। तो दिल्ली प्राइस बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर डेस्टिनी का स्टैंडर्ड ड्रम ब्रेक जो आता है वो मिल जाता है आपको 69,990 का, बेसिकली 70,000 का। LX ड्रम ब्रेक मिल जाता है आपको 74,950 का, मतलब 75,000 का।
उसका जो उसका टॉप एंड वेरिएंट है एक्सटेक ड्रम ब्रेक विद एलॉय व्हील 80,690 रुपये का। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी प्राइसिंग में डेस्टनी मिल जाता है। वहीं हम बात कर लेंगे यहाँ पर जुपिटर 125 का जो बेसिक वेरिएंट है, यहाँ पर आपको 78,175 देना होगा एक्स शोरूम। उसके बाद जो मिड वाला इसका है वो है 80,625 का। लेकिन जो उसका टॉप एंड वेरियंट है जिसका मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ वो आपको मिल जाता है 85,075 रुपीज़, मतलब 85,075 रुपये का आपको एक्स शोरूम दिल्ली प्राइस मिल जाता है। दोस्तों ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद आता है, बट डेस्टनी में आपको डिस्क ब्रेक भी नहीं मिलता है, आपको ड्रम ब्रेक से काम चलाना पड़ेगा। ओपिनियन आपकी है बिकॉज आपका पैसा है, बट मेरा काम है कि आपको वैल्यू फॉर मनी बाइक या स्कूटर दिलाना। तो मेरा मेन एजेंडा वही होता है कि अगर आप कुछ भी खरीद रहे हैं टू व्हीलर पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको बिल्कुल सही वैल्यू वाली चीज़ मिलनी चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो इसी के रिगार्डिंग मैंने सोचा कि बनाना चाहिए आप लोगों के लिए। तो वीडियो को मैं एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो। जो लोग भी आप प्लान कर रहे हैं आपके ग्रुप में, आपके कलीग, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड, आप उनको शेयर कर सकते हैं बिकॉज बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।